रेडी। अभी मैं रोमेल दीवा का आपको एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है। यहाँ पे जो भी जितने भी विंग्स हैं सारे का एंट्रेंस लॉबी का फिनिशिंग ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि वुडन्स में और ब्यूटीफाइड टाइल्स में काम किया है इन्होंने। यहाँ से आपको दो हाई स्पीड लिफ्ट मिल जाता है और इस तरफ आपको एक बड़ा स्टेयरकेस मिल जा रहा है। यहाँ से आपको स्टेयरकेस मिल जाता है। लाइट तो चालू करता और अभी मैं बाहर आपको पार्किंग का प्रोविज़न क्या किया हुआ है फोर व्हीलर का और टू व्हीलर का वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको पार्किंग का बाइक पार्किंग का पूरा प्रोविज़न किया हुआ है। पीछे काफ़ी एक अच्छा स्पेस है जहाँ पे आप फोर व्हीलर तो कवर्ड पार्किंग दिया हुआ है और बाइक पार्किंग का चारों तरफ से दिया हुआ है। काफ़ी बढ़िया एक जगह कवर किया है जिससे कि आपको कोई भी पार्किंग का तकलीफ़ नहीं आएगा। चारों तरफ देखें तो जो एक जनरली बीएमसी का जो रूल्स होता है 20 से 25 फुट जगह फायर ब्रिगेड घूमने के लिए, तभी तो ओसी मिलता है इसको। तो चारों तरफ इसका बाइक पार्किंग कार पार्किंग का जगह कवर किया हुआ है। और कार पार्किंग के लिए इसका एक ब्यूटीफुल पॉइंट्स ये है कि कार पार्किंग के लिए इन्होंने मैकेनिकल 24 स्टोरी टावर है, 24 स्टोरी इनका मैकेनिकल ऑटोमेटिक कार पार्किंग दिया हुआ है जिसमें आपका गाड़ी आता है और ऑटोमेटिक पार्क हो जाता है। इसमें ज़्यादा आपको बहुत काम करना नहीं पड़ता है। ये जो आप ग्रे और वाइट बॉर्डर देख रहे हैं ये पूरा आपका मैकेनिकल कार पार्किंग है। ये देख रहे हैं आपको गाड़ी जा रही है और इसमें जाने के बाद ये ऑटोमेटिक वहाँ पार्क करके ड्राइवर बाहर आ जाते हैं और गाड़ी अपने आप पार्क हो जाए। ये पूरा टावर आप पूरा ऊपर दिखाओ, ये पूरा आप देख सकते हैं जो लाइन दिख रहा है आपको ग्रे कलर का और वाइट कलर का बॉर्डर, ये पूरा 23 माले का मैकेनिकल कार पार्किंग टावर है। ये दिखा दो, नज़दीक जाकर दिखा दो।